वक्त की कल इंग्लैंड से हारने के बाद एक और बड़ा झटका टीम इंडिया को लगा है। विजय शंकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। चोटिल विजय शंकर अब टीम इंडिया का हिस्सा नहीं होंगे इस वर्ल्ड कप में और उनकी जगह मयंक अग्रवाल को अब बुलाया गया है जो टीम का हिस्सा होंगे। लेकिन ऐसे में जबकि शिखर धवन पहले ही चोटिल होकर पूरे वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं, एक और बड़ा झटका टीम इंडिया के लिए, ऐसे में जबकि विजय शंकर टीम से बाहर हो चुके हैं। तो शिखर धवन पहले से ही टीम से बाहर है, उस सबके बीच एक बड़ा झटका टीम इंडिया को। टीम इंडिया को वर्ल्ड कप में एक और झटका ये लगा है कि विजय शंकर चोट की वजह से वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह मयंक अग्रवाल को बुलाया गया है। तो वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को ये झटका लगा है, विजय शंकर की जगह मयंक अग्रवाल लेंगे। विजय शंकर टीम इंडिया का हिस्सा नहीं है, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। फिलहाल चोट की वजह से उन्हें टीम से बाहर किया गया है, उनकी जगह मयंक अग्रवाल को बुलाया गया है। इससे पहले शिखर धवन पहले ही टीम से बाहर चल रहे हैं और ऐसे में अब विजय शंकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। चोट की वजह से वर्ल्ड कप से बाहर हुए हैं विजय शंकर, उनकी जगह मयंक अग्रवाल को बुलाया गया है।